आपकी बहन के ऊपर पूरी नजर रखने वाले। अब यहाँ चल रहा है एक भैया, पूरे बिहार का कोई मंत्री, कोई सरकारी दल, कोई लोग देश के इतने बड़े सवाल पर कुछ नहीं बोला। इसके लिए पूरे बिहार की बालिका गृह की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है और एयरपोर्ट से लेकर ढोल पीपी बज रहा है, वोट के लिए राजनीति हो रही है। एक कुकर्मी नेताओं से पूछते क्यों नहीं है कि कितने बार करवट बदलते हो तुम्हें। एक तरफ कोई कहता है किसी का पीए बलात्कार केस में फंसा हुआ है, पीए ही बलात्कार केस में सिद्ध है क्या? अब मधुबनी का बालिका गृह का किस पीए का है? अब ये पीए ही बलात्कार में है कि एक लोग तो मर गए, कोई वर्मा था उसके, और भी दो तीन लोग हैं जिसने दिन घर ढुका, तुम कितने को बलात्कार किया? एक खाकी मोदी के तरह ये लड़ाई शुरू हो गई है इस बिहार में। किसने बलात्कार किया वो कह रहा है, इसने बलात्कार किया वो कह रहा है, इसने काला जामुन खिलाया वो कह रहा, उसने जिलेबी खिलाया। मतलब ये लोग हम ये बता दिए कि एक भी आदमी नहीं है जो बेटी बच्ची माँ बहन पर पूरी नजर नहीं रखता। बगैर यौन शोषण के ये नेता बिहार में जिंदा नहीं है, यह साबित कर दिया ये लोग। वो कहता है तुम रिजाइन करो, वो कहता है तुम रिजाइन करो, ये कोई नहीं कहता है कि इसकी जांच तुरंत हो, बच्ची बचे इसकी चिंता नहीं है। लेकिन वोट की राजनीति की चिंता शुरू, दरोगा की चिंता किसी को नहीं। मेंस में इस बच्चे को मार दिया गया, इसके पहले पीटी में बर्बाद कर दिया गया। ये बच्चे मिडिल क्लास के, ना कोई जात है, ना धर्म है, ना मजहब। इसीलिए इन नेताओं को इस युवाओं की चिंता नहीं है, क्योंकि ये उसका वोट का मुद्दा नहीं होता है। इनके वोट का मुद्दा है लिंगायत, गोपलिंगायत, जिन्ना, एनआरसी, मराठा, जिग्नवेश, पट्टेदार, जय श्री राम, परशुराम, पद्मावत, भीम, हमासा, एसटी, ओबीसी, ये है इनके वोट का मुद्दा। इनके वोट का मुद्दा रोजगार नहीं है, इनके वोट का मुद्दा बेटी और बहन नहीं है। इसीलिए इस बिहार का नेता ये तय कर दिया हिंदुस्तान में कि हम सब बलात्कारी हैं। वो कह रहा है तुम बलात्कारी, वो कह रहा है हम बलात्कारी, वो कह रहा है हमारे साथ इसका बेटा था, वो कह रहा हम अकेले नहीं थे। मतलब सब थे, सबने मिलके किया है, यह साबित कर दिया बिहार के नेता।